गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आईपीएल मॉर्निंग विद टू स्लॉगर्स भाई कंसिस्टेंसी का ढोल बजाने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी पे हमने मुत दिया ऑल थैंक्स टू फ्लू जो मुझे लगा कोलकाता में जो लोग पूछ रहे थे कि भाई कोलकाता पे दूसरा वीडियो क्यों नहीं आया फ्लू पकड़ लिया था यार टीम में प्लेयर्स खांस रहे हैं सबको खांसिया हो गई है पता नहीं कलकाता में क्या चल रहा है कोई तो हमने डेंजरस फ्लू पकड़ लिया है बट एज आई एम रिकवरिंग मैंने कहा और छुट्टिया नहीं कर सकते आज आ जाते हैं सीधे आज के मैच से बात शुरू कर लेते हैं तरन जिस जिसको लगा था कि टू ऑर्ड बंद हो गया है खत्म हो गया है शटर डाउन हो गया है नहीं इतनी जल्दी नहीं अभी हमें और गाली सुननी है अभी हम और गाली खाएंगे नहीं और अगर हमें लड़ाई करनी है तो आई थिंक हम थोड़ा बड़ा बन के करेंगे वी शुड हैव समथिंग एट स्टेक भाई लड़ाई झगड़ा हो तो अभी साठ हजार रुपए के लिए क्या लड़ना अभी तो सुपर चैट के पैसे मिलने शुरू हुए थे भाई अभी थोड़ी छोड़ देंगे और शुभम भी मुझे कहता रहा मेरी तबियत खराब है मेरी तबियत खराब है और एकदम से अब चेन्नई का मैच था तो मैंने पूछा कहा लखनऊ में लखनऊ में भाई माई भाई की जिस हवा में वो सांस ले रहे थे उसमें मुझे लेने का और मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ कि मैंने फोन कैमरा निकाला नहीं क्योंकि भाई मैं बस मेसमराइज होना चाहता था उस मोमेंट को जी लेना चाहता था वो ड्रोन शॉट तूने भी देखा होगा मैच से पहले एक दिखा रहे थे कि स्टेडियम के बाहर का क्या हाल था दोनों तरफ येल्लो में लोग पैक्ड पूरा और उस भीड़ के बीच से टीम बस के पीछे पीछे मैं गाड़ी में था हम चल के जा रहे थे दे वर ऑल देयर वेटिंग फॉर और ये दीपक चहर ने अपनी स्टोरी पे भी डाला है कितना क्राउड था इन सेम क्राउड उस क्राउड से एंटर होकर हम स्टेडियम में आते हैं एज ए फैन मैं इंटीमिडेटेड फील कर रहा था और फिर वही है बाद में के राहुल ने अब स्टेटमेंट दिया है कि भाई हाँ हमें इसके तो रेडी रहना ही पड़ेगा कि सी एस विल नॉट चीयर फॉर अस तो उसके साथ ही हमें खेलना था बट खेलते हुए बल्कि मैंने रोहित शर्मा को इन वाखेड़े देखा है मैंने विराट कोहली को इन चिन्ना स्वामी देखा है अभी तक मैंने धोनी को इन चेपोक नहीं देखा है वो इस साल हो जाए होपफुली पर भाई धोनी इन जयपुर धोनी इन वांगखेड़े धोनी इन एनी अदर स्टेडियम भाई इज़ बिगर देन एनी थिंग इस बंदे का और अलग है इस बंदे का जो वेलकम होता है वो अलग ही है मुझे नहीं लगता कोई भी क्रिकेटर इसको बीट कर पाएगा आई थिंक ही इट हाँ अभी आई थिंक वो इस जनरेशन में तो चाहे जो भी वो लोग सोशल मीडिया ने हेल्प कर दिया कि तो ये हो गया वो हो गया बट आई थिंक वो सबसे बड़े बन चुके हैं और मैंने सबसे अलग एक चीज़ ये देखी यार कि बच्चे धोनी के फैन है मतलब तू देख रहा है पाँच पाँच छः छः साल के माही धोनी एक तो इतना इजी टू स्पेल नाम है छोटा सा जो कोहली का भी है बट अगेन माही धोनी वो ऐसे कर रहे हैं एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया लिटरली और वहां के खड़ा हो गया जहां से किसी ने बताया था टीम बस अब क्योंकि छोटा बच्चा है पुलिस भी उससे नहीं हटा पा रही है फिजिकल उसके साथ आप हो नहीं सकते उसे प्यार से समझा रहे हैं और वो या तो रो रहा है कि नहीं मैं माही को देख के जाऊंगा और वहां से हट नहीं रहा है मैंने पूछा कि मतलब ये कैसे फॉलो करने लगे यार माही को ये तो अभी पैदा हुआ होगा थोड़ी देर में सात आठ साल का बच्चा था और उस उसने सोच माही का प्राइम भी नहीं देखा है सिर्फ माही का आईपीएल देखा है तो उसे वो तो सब पता ही नहीं है जो तो कह रहा है कि माई भाई का आईपीएल प्राइम नहीं था भाई नहीं अरे यार अब तो माई अले? भाई फिनिश करने आते हैं फिर सिक्सटी 65 छक्के मार दिए 20वें ओवर में 65 छक्के आज एक्जेक्टली exactly, और सीधे आ जाते हैं मैच के ऊपर भाई दो मैच हार के आ रही थी हमारी टीम और चेन्नई तो चेन्नई है हमेशा डर लगता है उनसे खेलने में कोई क्राउड पूरा उनके साथ सब कुछ ऐसे में आज हमने स्ट्रेटेजी चेंज की टॉस फिर से जीता एल जी पहली टीम बन गई पांच, पांच मैच जीतने वाली ये think, आई थिंक आईपीएल हिस्ट्री में ही नहीं हुआ कि कि किसी टीम ने लगातार पांच टॉस जीते हमारे कैप्टन ने जीत लिए फर्स्ट बॉलिंग ले ली हमने इसी में खुश रहो हाँ यही कर करके सालों लेकिन मैं एक बात बता दूं जब मुझे भी जब राहुल ने चेस करने का सोचा था मैंने कहा ये तो वैसे ही दो मैच नीचे लगे हुए हैं इन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट और चेज करने का सोच लिया आई थिंक ये रोंग कॉल है ये डिसीजन गलत है लेकिन टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन भाई हाँ और बॉलिंग भी जब देखे भाई मोहसिन तो बहुत ही बेटर बॉलर बन के आ रहा है एटलीस्ट न्यू बॉल का लास्ट सीजन ही वाज ब्लोइंग ब्लोइंग हॉट कोल्ड जैसे कहते हैं बट इस सीजन तो अच्छी रिदम है। वाला, पहला स्पेल तो बढ़िया ही डाला है बाद में मार पड़ी और एम धोनी के आगे तो यार मतलब सभी नर्वस हो जाते हैं बट आई थिंक पहले दस ओवर तो बहुत अच्छे कंट्रोल में था मैच हमारे पांच विकेट हमने शुरू में चटकारी बाद में फिर वही वन सेट्स द एक शो चालीस के बाद से तो फिर पूरा माई भाई ने संभाला है नौ बॉलों में अट्ठाइस रन वो हो जाती है यार इंटीमिटेशन में एज एन ऑडियंस कर रहा था मुझे हर बॉल पे डर लग रहा था कि अगर एम एस धोनी सामने है तो क्या ही डाल देगा बॉलर अरे तूने वो रिवर्स हेलीकॉप्टर देखा भाई? मेरा वो शॉर्ट फेवरेट है भाई वो वाला भी, और मैंने वो भी देखा एक सौ एक मीटर का छब्बीस रन हेनरी की जब भी मैं सोचता हूँ ना हेनरी तो याद आता है मुझे अपना न्यूजीलैंड दो हजार उन्नीस सेमीफाइनल हेनरी को विकेट तो कोई नहीं मिले लेकिन वो ओवर भी उसके तीन ठीक थे पर भाई ये जो बंदा है कृणाल पांड्या इसका सही है शुभम कुछ ज्यादा अच्छा भी करता है तो भी बात नहीं होती कुछ ज्यादा बुरा करता है तो भी बात नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं ऐसा रह गया कि ना इसके ज्यादा फैन है ना इसके ज्यादा हेटर है बीच का रह गया आज कृणाल पांडे ने तीन ओवर सोलह दो विकेट लिए भाई मैच चेंजिंग स्पेल था इसका भाई हमारे लिए तो ये सबसे अच्छी चीज हो रही है कि जहाँ पे बिश्नोई का थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा मैच ऑफ ऑफ हो जाते हैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा सा बिकॉज इज फ्रेंड इसलिए ऑफ सीजन अगर जा रहा है तो कवर अप करने के लिए हमारे पास कृणाल है और वही है ना कि कृणाल जैसे तूने बोला कि की डजेंट लुक थ्रेटनिंग ऐसा देखने से डरावना नहीं लगता है मुझे नहीं पता कितनी टीमें ऐसे प्रिपेयर होकर आती होंगी कि भाई कृणाल पांड्या के चार ओवर में क्या करना है और ये बंदा साइलेंटली अपना काम कर जाता है इतना इकोनॉमिकल इतना मतलब और ऐसे जनरली हमने ऐसे प्लेयर सीएस वगैरह में बहुत देखे हैं सीएसके हमेशा ऐसे ही अंडर से बोलर्स को यूज करती आई है हमेशा चुपचाप अपना काम करके निकल जाएंगे और हम जो मैच हारे हैं उसमें कृणाल पांड्या नहीं चलाए तो उनका चलना हमारे लिए बहुत क्रूश है कि वो चलते हैं भाई चुपचाप अपना काम कर देते हैं तीन में सोलह इकोनॉमिकल दो विकटे भी निकाल ली सारा काम कर दिया और जब टारगेट लेकिन एंड में हमें मिला भाई मतलब वो तो वहाँ पे सी के ही फेवरेट थी अगर आप 179 मतलब चेस करने जा रहे हो 20 ओवर में अगेंस्ट देम चाहे जैसी भी बॉलिंग हो और भाई लेकिन क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बैटिंग करी स्टार्ट अच्छा दिया है फिफ्टी रन मारे राहुल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत आउट हो गया बंदा सौ कर सकता था आज अपनी आ, ये थोड़ा सा आज था ना उन्नीस तारीख थी सामने येल्लो जर्सी थी उसने निकालता हूं, बदला तो ये तो जडेजा का हुआ है ना मैं आज कहीं रहा था कि जडेजा भाई कभी भी सीएसके के लिए क्रंच मोमेंट्स पे फ्लॉप नहीं हुआ लेकिन यही ब्लू शर्ट में ब्लू जर्सी में फ्लॉप हो जाता है जडेजा को आज ऊपर भेजा उसने भाई फिर परफॉर्म कर दिया पर जडेजा को ब्लू जर्सी भेजो तो ऐसा मैं नहीं कर रहा ऐसा भाई मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा है कि वो क्रंच सिचुएशन में ब्लू जर्सी के लिए परफॉर्म नहीं करता पर उन्नीस तारीख को राहुल ने आज सौ तो नहीं मारा बट एटी मारा फिफ्टी बॉल पे उन्नीस तारीख को कितने मार दे फिफ्टी थ्री एटी टू बॉल उल्टा तब, तब 66 थे कुछ 100 बॉलो बॉल में पर भाई क्विंटन डीकॉक ने भाई अच्छा स्टार्ट दिया 54 रन मारे और पूरा मैच ही क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल खेल गए निकी पी ने भाई 12 बॉलो भाई 23 रन मारे पर मेरे हिसाब से ये मैच 19th ओवर तक नहीं जाना चाहिए था यह मैच थोड़ा खींच दिया भाई नेट रन रेट यहां पे सुधारा जा सकता था एलएसजी से हां कर सकते थे बट यार जब आप आ रहे हो इस तरह से दो मैच हार गए तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते पहले दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आई थिंक स्ट्राइक रेट थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाता है अब जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा जितना मुझे लगता है और पूरन का ये तो है यार कि मतलब कोई ग्राउंड हो कोई अपोजिशन हो वो जो छक्के लगा रहा है उसकी जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है मतलब वो देख के मजा आता है के राहुल का भी बहुत कमाल का स्टार्ट निकल के आया है पावर प्ले में उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया है लास्ट के तीन मैच से स्पेशली आफ्टर द डिफेंस मिनिस्टर रील वन प्लस स्ट्राइक रेट है तीनों मैच में उसके बाद सारे विकेट कीपर्स का स्टार्ट डाला था एक बंदे ने तो उसमें संजू और राहुल लीडिंग रन स्कोर है संजू का एवरेज राहुल से बेटर है और स्ट्राइक भी सब 150 के राउंड ही कर रहे so, पिक करने के लिए विकेट कीपर बैटर थोड़े जितेश वगैरह पीछे जितेश हो तो बहुत पीछे लेकिन रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में पता क्या बोला को कन्विंस करना मुश्किल है अगर वो वर्ल्ड कप खिलाना चाहेंगे कि नहीं मैं चाहूंगा वो आ जाए पर उनको कन्विंस नहीं करना मुश्किल है दिनेश कार्तिक को कन्विंस करना ईजी है तो रोहित शर्मा की तो जो सूई है वो दिनेश कार्त में कहीं ना कहीं अड़ी हुई है कि नहीं वो मोहल्ले की जो बंदी है वो तो दिनेश कार्तिक जो है वो रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक को ही पटाए, पटाएगा मुझे लग रहा है दिनेश कार्तिक की एबिलिटी में कोई कमी नहीं अगेन हाँ, यही हाँ, सेम परफॉर्मेंस में वर्ल्ड कप में रिपीट ना करें उसके चांसेस हैं पहले उन्होंने नहीं किए बट अभी है। जो कर रहे हैं उस उसपे आप पिंग फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते कि वीक बोलर नहीं, को मार रहा है कि ये कर, कर रहा है कि वो कर रहा है वो सारे शॉर्ट क्लासिक हैं मतलब जो एबिलिटी वो दिखा रहा है बंदा उस प्योरली उस पर आप जज करो तो ही इज नो लेस देन एनी एल्स पर तो यहाँ से कीपर आप चूज कर रहा तो जल्दी क्योंकि पंद्रह दिन में टीम आ जाएगी आज का डेट है आज है अप्रैल अप्रैल आज नाइनटीन आई थिंक मे सेवन या एट तक टीम आ जाएगी भाई या मे टेन्थ तक टीम आ जाएगी बीस दिन में टीम आ जाएगी आज अपना कीपर बता फर्स्ट चॉइस तो मेरा संजू सैमसन है जो मिडिल ऑर्डर की भी

हमें ये वीडियो छोटा रखना है आई जस्ट आई लाइव मैं बोल दे सो भाई आज लाइव आ रहे हैं आज मत आ, आज आज रात को लाइव आ जाएंगे हाँ ऑफ हा, कोर्स आज शुभम बताएगा लीते... कि धोनी से मिलके उसको कैसा लगा मैं वो आराम से बताना चाहूंगा और बहुत अच्छा लगा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे उससे बेटर ही निकले एमएस धोनी वो होता है ना कई बार आप अपने हीरो को मिलते हो जाते नहीं मैं हीरो से मिला और ज्यादा हीरो के प्यार में पड़ गया कि हाँ यार। तो इफ यू टू नो कि सुबह वो धोनी से मिलके कैसा लगा और शाहरुख खान से मिलके भी कैसा लगा सब्सक्राइब करो और लाइव पे आज पक्का ना रात को ग्यारह साढ़े लाइव आएंगे आज मैच के बाद और कल का जो मैच है भाई थोड़ा सा ऑन द बोरिंग साइड है कि सही मैच है DC नहीं नहीं। सही मैच है सही मैच है देख, मैच है देख।, मैच है देख। एस आर एच भी वो सब बिल्डअप ले रही है आ, मैं देख रहा हूँ हेनरी क्लासन के वीडियो डाल रही है कि कोटला की पार्किंग सेफ नहीं है क्लासन आने वाला है दिल्ली दो मैच जीत के आ रही है तो फिर वो ये टारगेट साढ़े दस का एनी गेम पैक्ट कम इंस प्लेइंग इज एक्साइटिंग फॉर मी क्योंकि उसने वो जो कमेंट दे दिया है ना बहुत बड़ा के भाई हमसे खेलने में फटनी चाहिए सामने वाली टीम की तो आई थिंक अब कौन उसे हम्बल डाउन करेगा वो एक मैटर ऑफ फैक्ट है सामने पाउटिंग है तो इट इज बी समवेयर ओसी वर्सेज ओसी होने वाला है माइंड दोनों टीमों का मेरी फेवरेट एस आर एच है डीसी मुझे अभी भी इनफ लू पोल्स उनके अंदर लगते हैं वो तो उनकी बॉलिंग ज्यादा आउटशाइन कर गई अगेंस्ट जीटी आई वुड स्टिल से एस आर एच मुझे अनस्टॉपेबल लग रही है अरुण जेटली स्टेडियम में मैच है दिल्ली का पहला मैच है बट आई स्टिल फील की एस आर एच है साइड लेकिन हम जब भी बोलते हैं शुभम मेन चुकी नहीं दिल्ली तो हारी जाएगी दिल्ली जीत जाती है <laughs> पिछली बार दिल्ली प्रूव्ड अस दिल्ली हैज प्रूव्ड अस रॉन्ग मल्टीपल टाइम्स बट प्रूव एवरीबडी रॉन्स भाई हैव प्रूव ऋषभ पंत रॉन्ग ऋषभ पंत को खुद नहीं लग रहा होगा ये टीम जीत जाएगी लेकिन वो टीम जीत जाती है जेक फ्रेजर मैक वाहन कितना सही खेल रहा है अच्छा खेल रहा है तो कल बोरिंग गेम नहीं है कल इंटरेस्टिंग गेम है भाई मजा आएगा अरुण जेटली स्टेडियम में मैच है दिल्ली का पहला मैच है बट 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 आई एम स्टिल गोइंग विद एस आर एस आर एच तो मुझे अनबीटेबल सही लगती है अभी वी आर बोहोत गोइंग विद एस आर एच बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो आप हमें कॉमेंट में बता देना